बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसी, आज इंट्रोडक्शन है कि प्रेसी क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले सेंटेंसेस की, फिर छोटा पैराग्राफ है, फिर जो है वो उसकी एक पैराग्राफ को बढ़ाते जाएंगे। प्रेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल चंद इसके लिए जो है वो रूल्स हैं इसके, वो नोट कर लें आप। पहला रूल कि हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। इनडायरेक्ट नरेशन, प्रेसी हमने किसी थर्ड पर्सन को यूज करना होता है, यानी अगर आई है, वी, यू, दे, आई का जो थर्ड पर्सन जो है होगा वो मी यूज किया जाएगा। अगर तो आपने पहला लेक्चर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का जो है वो मेरा सुन लिया है, तो ये आपके लिए जो है वो कोई नई बात नहीं होगी। एग्जांपल है इसमें, ही सेड कॉमा है, डायरेक्ट नरेशन है। I am working day and night. अब इसका जब हमने प्रेसी में चीज लिखनी है, he was working day and night. अब ये वो चीज है जो हमने पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, उसमें लिखना हमने प्रेसी में। पहला रूल तो उसका ही है कि हमने इनडायरेक्ट नरेशन में जाना है। दूसरा इसका ये है कि इसको शॉर्ट करना है, कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है बेसिक, यानी एक बहुत बड़ी कहानी है उसका आपने सेंट्रल थीम बताना होता है, एक आइडिया देना होता है, एक नचोड़ जो है, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, पूरे ऐसे का जो कंक्लूड करते हैं आप, वही आपने कंक्लूजन इधर भी करना होता है। इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है और वोकैब है, ये दो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब शॉर्ट करते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो है वो लगते हैं और वोकैब वर्ड्स हमारे पास नए होते हैं, आइडियाज़ वही होते हैं, बात वही होती है, वर्ड छोटे करने होते हैं। मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल, ही इज वेल नोन अमंग हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल पर्संस, या ही इज वेल नोन इन द सोसाइटी, ये एक सेंटेंस है। अब इसका जब हम प्रेसी में ले जाएंगे, ही इज फेमस, जस्ट ये लिख देंगे, ये शॉर्ट हो जाएगी। ये इसका दूसरा रूल कि आपने शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट करना एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो वन थर्ड कहता है आपको, या वन हाफ कहता है, या वन फोर्थ कहता है। जितना आपसे कहा जाए उतना आपने करना है। द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन होता है CSS में, PMS में, 20 नंबर का, 25 नंबर का, मुख्तलिफ मार्क्स जो है वो बनते रहते हैं इसके PMS और CSS में। यहाँ पे ये दो रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा, एग्जांपल्स उसके अंदर जितने भी हुई, जो ओरिजिनल पैराग्राफ होता है उसके अंदर एग्जांपल्स, कोटेशंस, इस किस्म के जितने भी चीज़ हैं वो आपने निकाल देनी है, वो आपने नहीं रखनी है उसमें। जब वो निकल जाए तो बाकी चीज़ें उसमें रख दें। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल पैराग्राफ में लिखा होता है,
ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इटीसी। अब ये एक सेंटेंस है आपके ओरिजिनल में, इसको हम जब प्रिसाइज करेंगे तो हम लिखेंगे ही लाइक्स स्पोर्ट्स। जस्ट ये वो जो एग्जांपल्स हैं, वो जो लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स का एक हिस्सा होता है, क्योंकि सब ब्रांचेस है ना, बेसिक सब सब ब्रांचेस को जो है वो नहीं लिखा जाता। इसी तरीके अगर कोई और एग्जांपल लिखी होती है, फॉर एग्जांपल के इंग्लिश सेंटेंस जो ओरिजिनल होता है पैराग्राफ, उसके अंदर आता है करप्शन इज एवल, जो भी आगे सेंटेंस बने, स्पेशली इन द पुअर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी बातें लिखी जाती हैं अगर ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर आते। तो आपने इसका जो नीचे आके करना है, कंसाइज इसको करना है, करप्शन इज अ कर्स, जस्ट ये लिख ले, कर्स। आप सोसाइटी लिख ले, ठीक है, या करप्शन इज अ कर्स स्पेशली फॉर पुअर कंट्रीज, ये लिख ले। एग्जाम्पल जो आगे हैं वो चीजें नहीं लिखते होते, वो निकालते होते। इस तरीके जो अगला स्टेप है, याद रहे कि आप जब लिख रहे हो तो सेंट्रल आइडिया जो उसका है वो जाया ना हो, वो दफर ना हो। यानी आप जब नीचे लिख रहे हो तो बात वही करें जो ऊपर पूरे पैराग्राफ में की, ऊपर एग्जांपल्स के साथ बताएगी, नीचे आपने टू द पॉइंट बात करनी। अगर टू द पॉइंट बात आप नहीं करेंगे ऊपर वाले, कोई और बात अपने लफ्जों में लिख देते हैं, अपने ख्यालात लिख देते हैं, उससे मिलते जुलते, तो वो गलत हो जाएगा। जो वो बात कर रहा है, सिनोनिम्स यूज करें, एंटोनिम्स यूज करें, इस किस्म की चीजें जब आप यूज करेंगे और आइडियाज सेम रहेंगे, सेंटेंसेस जो है वो छोटे हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो स्मॉल हो जाएगा, शॉर्ट कर देंगे आप उसे, तब जाके आपका एक अच्छा जो है वो प्रेसी लिखी जाएगी। प्रेसी इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी प्रेसी इतनी। मैं आपको उर्दू में एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। वो सुबह सवेरे उठा, उसने रक्षा पकड़ा, रक्षे से वो अड्डे पहुंचा, अड्डे से बस ली, और शाम के 6 बजे से पहले वो लाहौर पहुंच गया। अब ये इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, आप सिंपली ये कह दें, जब इसको प्रिसाइज करना तो जस्ट ये कह दें कि वो शाम को लाहौर पहुंच गया था, बात खत्म हो गई। पिछले जो एक्स्ट्रा चीजें हैं प्रेसी के अंदर, जो ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर ओरिजिनल चीज, एक्स्ट्रा चीजें जो होती है, जो जिनका मीनिंग नहीं होता, जिनका कोई मकसद नहीं होता वहां पे, जस्ट उसको ऐड करने के लिए या बढ़ाने के लिए बात की जाती है, वो निकाल दें, वो आप साइड पे कर दें। ये इसके कुछ रूल्स हैं। थर्ड पर्सन हमेशा यूज होता है, ये माइंड में रखना, कभी भी जो है वो फर्स्ट पर्सन जो है वो यूज नहीं करना सिवाय ऑर्थर के। ऑर्थर भी जब आए, नाम आए ऑर्थर का, तो उस वक्त भी आपने लिखना है कि ऑर्थर सेज, या राइटर सेज, या स्कॉलर सेज, यानी थर्ड पर्सन आपने यूज करना, फर्स्ट नहीं ना सेकेंड। तो ये कुछ रूल्स थे इसके। अब जब आप एग्जाम्स के अंदर बैठे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेसी को जो है निकाले, पैराग्राफ लें, पैराग्राफ में से जो है मेन पॉइंट्स जो अंडरलाइन कर लें, जो मेन बात कर लें। जब भी एक बात जब बार बार की जाए उसको अंडरलाइन ना करें, एक बात एक दफा अंडरलाइन होगी वो अगर दोबारा करें तो उसे स्किप कर दें। अच्छा,
ये इसी तरीके अंडरलाइन करते करते जितनी आपके लाइनें, जितनी बातें आपको समझ आ गई हैं कि ये बातें इसमें हैं, वो आप अलहदा करके लिख लें। अच्छा, अलहदा करके भले वो ग्रामेटिकली सही ना हो, फिलहाल वो लिख लें आप। अच्छा, उसमें से देखें कि उसका टाइटल क्या बन रहा है, क्योंकि टाइटल एक मेन चीज़ होती है। बात किस हवाले, किस इशू के हवाले से बात हो रही है, टॉपिक क्या है, ये सारी चीज़ ये बार खास सोचें आप। अच्छा, वो निकल आया, वो टॉपिक निकल आया। टॉपिक जो उसका होता है, टाइटल जो होता है, वो मोस्टली उसके स्टार्ट में या एंड पे दिया होता है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, तो ये आपने करना है। अच्छा, टाइटल हो गया, टाइटल के बाद आपने जो अंडरलाइन किए वो साइड पे लिखे थे, उसको अब ग्रामेटिकली शक्ल दें और ग्रामर के अंदर ले आए। ग्रामर के अंदर लाने के बाद आप सिनोनिम जो है वो यूज़ करें, वही वर्ड्स यूज़ ना करें, कोशिश करें कि नए वर्ड्स दें आप उसे। ठीक है, एग्जाम्पल सारे निकाल दिए आपने, सारे कुछ निकल गए, अब उसको आप जो है वो दें नई शक्ल दे दें। फिर आप वर्ड काउंट करें, वर्ड्स काउंट हो गए, 1/3 आपने करना है। अगर 1/3 से ज़्यादा बन रहे तो देखिए कि कहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लें, उसका सिनोनम यूज़ कर लें। सिनोनम का फायदा ये होता है कि उसका जो प्रेपोजिशन है वो कम ज़्यादा लग जाती होती है, आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि हर वर्ड की एक अपनी प्रेपोजिशन होती है, अपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। जो मोस्टली एडवर्ब्स आपने, एडजेक्टिव आपने यूज़ किए वो कम यूज़ कर लें, लाजमी तो नहीं हमने सारे यूज़ कर लें, वो भी आप कम यूज़ कर लें। ठीक है, बात यह है कि आपने बात उसे बताने के ये शॉर्ट लफ्ज़ों में, इन शॉर्ट, जैसे आप कंक्लूजन लेते हैं, ये हो गया। फिर उसको काउंट करें, बराबर है, फिर उसको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद देखिए कि क्या कहीं ग्रामेटिकली जो है मिस्टेक तो नहीं, अगर मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर लें, फिर जाके प्रेस जो है वो ओरिजिनल पेज पे लिख दें। ये प्रेस ही है, इनिशियल हम पैराग्राफ्स वाइज जो है वो चलेंगे, तकरीबन कोई 20-25 पैराग्राफ्स हम करेंगे बड़े पास पेपर्स के भी, तो उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपने प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आज इसका इंट्रोडक्शन था, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आमीन।